नमस्कार, मैं हूं अनी चौधरी और आप देख रहे हैं एडप्रकाश टीवी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ को जहां पर ग्रीन और क्लीन सिटी का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है, तो वहीं चंडीगढ़ वासियों के लिए आज एक खुशखबरी की खबर ये है कि आज से चंडीगढ़ की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ेंगी। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में, जहाँ पर इन बसों का उद्घाटन करने के लिए पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और धर्मपाल जी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज से 11 बसों की शुरुआत हुई है, तो वही दिसंबर 14 तक 40 बसों का टारगेट रखा गया है। और इस बस की खासियत ये है कि ये साउंड फ्री है। इसी के साथ आपको बता दें कि ड्राइवरों के साथ हर बस में महिला कंडक्टर मौजूद है। चलिए इस वक्त हम बात करेंगे महिला कंडक्टर से, जानेंगे इन बसों की क्या क्या खासियत है। चलिए इस वक्त हम जानेंगे बस के ड्राइवर से कि इस बस की क्या क्या खासियत है। सर, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी। जी, इस बस की क्या क्या खासियत है? मैम, इसमें तो पोल्यूशन नहीं है बस में, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है बस का, बिल्कुल जैसे एक जैसे इसमें इमरजेंसी में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है कस्टमर को, जो भी बैठेंगे चंडीगढ़ वासियों को। जैसे मैं इमरजेंसी में ना उसकी बटन है इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी होगी ना कस्टमर को ना ये बटन दबाएंगे, सबसे फ्यूचर ऐसे काम करेंगे, आपको लगने का कोई वो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बस में अपना सारा कुछ खुल जाएगा इसका इमरजेंसी। अगर बात करें यात्री की, तो एक बार में कितने यात्री बैठ सकते हैं इसमें? 36 36 यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बस में? इसमें कोई नहीं, इमरजेंसी है इसमें कुछ नहीं, कस्टमर को जैसे यात्रियों को बिल्कुल वो नहीं होगी, आराम से बैठ सकते हैं इसमें, कोई शोर शराबा नहीं है बस में, बिल्कुल भी थोड़ा आराम से इमरजेंसी इसमें हर एक चीज में, जैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कस्टमर को। जैसे कि आपने सुना कि ये साउंड फ्री बस है और इसमें काफी खासियतें भी बताई हैं, इसी दौरान हम बात करेंगे यहाँ पर महिला कंडक्टर से। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। वीना कुमारी जी, आप ये बताइए कि मैंने जितना भी बसों में देखा है सभी महिला कंडक्टर ही रखी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमें वैसे तो रखे हुए 7 साल हो गए हैं, 2014 से था, पर जो इलेक्ट्रिक बसें अभी नहीं आई है ना, ये इतने सारी लेडीज कंडक्टर ही रखती है, इन्होंने मतलब की लेडीज को आगे आने का मौका दिया। जी, अगर देखा जाए इस बस में अनेक खासियत है, लेकिन अगर चार्जिंग पॉइंट वगैरह के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? मैम, यहाँ हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, हर सीट के पास चार्जिंग पॉइंट है, अपनी डाटा केबल लगाओ, फोन अगर किसी का फोन वगैरह कुछ भी चार्ज करना हो चार्ज कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या? मैम, इमरजेंसी होने पे हम ये बटन दबाएंगे ना, हमारा जो ITS का रूम है वहाँ पे उनको पता चल जाता है, उनका कंडक्टर के पास फोन आता है, जैसे कोई सवारी कंडक्टर या ड्राइवर को नहीं पता है बस में, फिर वो इमरजेंसी बटन दबाने पे उनके पास ऑटोमेटिक पता चल जाता है, तो वो कंडक्टर के पास फोन करते हैं किस सवारी को क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि आप अगर किसी मतलब कि किसी ड्राइवर या कंडक्टर कोई मिसबिहेव कर रहा है, हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बस किन किन रूट्स पे दौड़ेगी? अभी तो मैम 47 से PGI के लिए चलाई है, एक ही नॉन स्टॉप चलाई है, मतलब कि 47 से चल के 17 में ही रुकेगी, सवारियों को बेनिफिट मिलेगा, जिनको जल्दी होती है वो जल्दी पहुँच जाएंगे। जिस हिसाब से ये प्रदूषित फ्री बस है और इसमें अनेक पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं यात्रियों के लिए, अगर बात करें बस की टिकट की जो अन्य बसों में है, क्या वही है इसमें या अलग है? नहीं मैम, अभी वो सेम ही है, एसी बस वाला फेयर है, एसी बस है, एसी बस वाला फेयर है, टिकट में नहीं कटती है नहीं चढ़ रही है, अभी सेम है। एक चार्जिंग में कितनी किलोमीटर तक ये बस चलेगी? जैसे बस चलेगी हमें जो भी टाइम मिलेगा उसमें हम वहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये एक बार चार्ज करने के बाद 140 किलोमीटर चलेगी, तो वही ये पॉल्यूशन फ्री बस है और साउंड फ्री बस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए सारे इंतजाम भी किए गए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे विकलांगों के लिए अलग से सीट बनाई गई है, तो वहीं पर यहाँ पे गैस का भी बंदोबस्त किया गया है, कभी फायर लगने पर ये यूज में आ सकता है। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एडप्रकाश टीवी पर। मैं अपनी ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एडप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।